कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने देश की दिग्गज कंपनियों को प्रमुखों के साथ प्रदेश के आर्थिक गतिविधियां तेज करने की संभावनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 3 जून को आयोजन की तैयारियां शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आगामी 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने की तैयारियां की। वही सीएम योगी ने जहाँ 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेशक का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहाँ दुनिया के दिग्गज उद्योगपति हिस्सा ले सकते। चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस और दबिश के दौरान युवती की घटना से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मृतका निशा के पिता कन्हैया यादव को संतावना दी। करीब आधे घंटे तक उन्होंने घटना के संबंध में चर्चा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है, हम पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय दिलाएंगे, सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है, पुलिस की दबंगई की वजह से बेटी की जान गई है। गाजीपुर में इन दिनों लगातार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके क्रम में आज सिधौना के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। इस दौरान दयाशंकर मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा काफी लो क्वालिटी में है, ऐसे में छात्र स्मार्टफोन से पढ़ाई की तुलना कैसे करेंगे। भारत सरकार की भारत नेट योजना, जो गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना थी, लेकिन अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरे देश में केबल बिछाने का काम चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा और हमारा गांव नेटवर्क से जुड़ जाएगा। कल की तुलना में आज नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है, जो सुधार हुआ है। हम लोग ऐसे स्टेशन सर्व करा रहे हैं जिनसे कि अगल बगल के लोग प्रभावित हैं। तो जहाँ भी सारी कंपनियों को कहा गया है कि अपने नेटवर्क में वो सुधार करें, कारण ये है कि फिर ये चीज़ें इनका उपयोगिता नहीं रह जाएगी जैसा आपने कहा। तो नेटवर्क को ठीक करना, उसको बेहतर बनाना, ये सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। और नेटवर्क बीच बीच में कहीं बीच दो दो टावरों के बीच में अगर दूरियाँ ज़्यादा हैं तो नेटवर्क का अभाव रहता है। सरकार की प्राथमिकता है कि उसको तत्काल उसको ठीक कराएगी। प्रतापगढ़ में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो एक हत्या आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। बता दें कि महेशगंज के कस्बा हीरागंज बाजार में पुलिस अरेस्ट किया है। एक व्यक्ति एसटीएफ महेशगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है, जो हत्या का आरोप था और उस पर 50,000 रुपये के इनाम घोषित था। 2006 की गांव तिरछा की एक हत्या थी, उसमें वो वांछित चल रहा था लगातार। क्राइम नंबर 8/2006। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश के ऊपर लूट और स्नैचिंग के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आज लगभग 2:15 बजे एसओजी ग्रामीण और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस के द्वारा एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका नाम इमरान और फैया है, जो कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र का ही रहने वाला है और यहाँ पर कई घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। इस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास इस पर मुकदमे पंजीकृत हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसको लेकर जगह जगह लोगों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति संदिग्ध नजर आया, उसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, वो भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अटलांटा हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा। आज थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में
संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कनावनी पुलिया पर की जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार उधर से गुजरा, पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुका नहीं, कनावनी नहर की तरफ भागा। इस पर पुलिस टीम के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरा हुआ देख करके पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से उस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुआ है, उसको अटलांटा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। संभल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, जहां तहसीलदार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे। इसी दौरान माफियाओं ने तहसीलदार से अर्दली को ट्रैक्टर के नीचे फेंक दिया। वहीं मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर को सीज कर दिया है, साथ ही मामले की जाँच में जुट गई है। संभल में वाहन चालक को नींद आने से एक बड़ा हादसा हो गया और वाहन खाई में जा गिरा। वहीं वाहन सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 112 की मदद से सरकारी व निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छा अच्छा, वहां से आई थी आप, तो यहाँ क्या हुआ? हादसा हुआ, मुझे दिक्कत है, अंधेरी बता रही है। मैं सबसे पीछे लेटा हुआ था, मेरी गाड़ी मेरे प्यारों के पास। अच्छा। और मेरी गाड़ी नीचे। अच्छा। तो ये कह रही है कि ड्राइवर को दिया था, नींद आ रही है, मुसलमान बड़े बार दिया इन्हें कही भी सो जा रहे, आधा घंटा बाद में कोई दिक्कत ना, करना चलना चलाना सिग्नल। गाजीपुर के सैदपुर में चोरों ने बैंक को अपना निशाना बनाया और बैंक लॉकर में रखे लाखों रुपए के साथ आभूषण पर भी हाथ साफ कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सैदपुर शाखा ने सूचना दी थी 10:30 बजे के लगभग, कि जब उन्होंने अपना लाकर खोला तो देखा कि छत काट करके उसमें से चोरी हुई है। इस पर मेरे द्वारा और आईजी सर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुल 4 लाकर काटे हुए पाए गए हैं और ये पाया गया था कि वो बैंक में पीछे से घुसे थे और वहीं से फिर वो निकले हैं। खबर उन्नाव से है, जहां सपा जिला उपाध्यक्ष के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और तालाब की जमीन पर खड़ा नर्सिंग होम ढहाया गया और विधानसभा चुनाव के समय पर सपा में शामिल होने वाले डॉक्टर शकील को भारी पड़ गया। बता दें कि पूरा मामला थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा का है। ये कालूखेड़ा में तालाब की अराजकता है, डॉक्टर शकील का अवैध कब्जा करके निर्माण कराया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय में जो तकलीफाबाद भेजी थी, उन्हें पूरा सुनवाई का मौका दिया गया। उसके बाद नियमानुसार न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित, उसके बाद नोटिस दी गई कि इतने दिनों के अंदर आप अवैध कब्जा हटवा लें, लेकिन उसके बाद भी जब अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया तो मौके पर बेदखली की कार्यवाही आज कराई गई। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जो अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर कट गए और 6 साल की मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचा और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरठ के पशु तस्कर अकबर बंजारा पर एक और बड़ा एक्शन हुआ। परतारपुर के बजोट गांव में अकबर बंजारा की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर गरजा है, जहां बंजारा और उसके भाई ने गोदाम और दुकान बना रखी थी।
खबर रायबरेली से है, जहां एक विवाहिता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पैसे का लेन देन का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले भोला ने साथी मिस्त्री मनीष के साथ मकान का ठेका लिया था। उस ठेके में मनीष को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसने भोला को पैसा नहीं दिया। वही भोला अपना पैसा पाने के लिए दबाव बनाता रहा, जिसे लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद युवक ने उसके घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला सर 32 दिन के साथ में ठेका ले रखा था जी जी, रामखेड़ा में सूर्यकांत तिवारी की जी, 25,000 का जो 50,000 का काम था जी, उसमें इनका घाटा लगा जी। तो उन्होंने कहा कि हम उनको धीरे धीरे करके पैसा देंगे जी। किसको घाटा लगा? जो ठेका लिया था, जो जिसने हत्या किया जी जी। क्या नाम है उनका? मनीष नीति रामखेड़ा। जिसे थाना अध्यक्ष सरेनी को जानकारी हुई, यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा भोला यादव हैं, उनकी पत्नी को मार डाला है। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर सरेनी और फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौके पर आई और शव को जो है वो पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजाया गया है और भोला यादव की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर गया। बलिया की बेटी ने जिले का नाम रोशन किया और ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। साथ ही अभिनेता अनुपम खेर ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। मुंबई में सम्मानित होने के बाद नेहा खान बलिया पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया और उन्होंने बताया कि 12 साल की मेहनत का ये प्रतिफल है। बलिया के लोगों ने हमको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मैं फाइनली सन 2019 में हमको मेकअप आर्टिस्ट का खिताब मिला, करिश्मा कपूर अवार्ड मिला। फाइनली उसके बाद मेरा सन 2022 में ग्लोबल अवार्ड, एशिया ग्लोबल अवार्ड एक्सीलेंट अवार्ड सन 2022 में हमको चुना गया। अनुपम खेर सर हमको अपॉर्चुनिटी हमको दिए इस। खबर मऊ से है, जहां जिला कारागार में उस वक्त तफरा तफरी मच गई जब काम करते समय जेल में ही एक कैदी को सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनन फानन की हालत में गंभीर देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि कैदी आज सुबह जेल में काम कर रहा था कि अचानक कहीं से सांप आ गया और कैदी को काट लिया। दक्षिण टोला किस मामले में बंद थे? चोरी के मामले में बंद थी। तो जेल में अब क्या हुआ है आपको? सांप काट लिया, जेल के अंदर सांप काट लिया। कुछ देर पहले ही अभी डिस्ट्रिक्ट जेल से सांप काटा हुआ कर लिया है, जिसकी हालत अभी स्थिर है, तो ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और इलाज किया जा रहा है। हमरा अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।